Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video, we'll continue with the chapter Basic Concepts of Economics, जो class 11th ISC का second chapter है, and इसमें अब हम पढ़ेंगे next concept which is business cycle. तो business cycle होता क्या है? तो business cycle की जो normal सी definition दी गई है, वो इतना कहती है कि recurrent fluctuations हो रहे हैं economic activities में. Recurrent fluctuations का क्या मतलब होता है? Recurrent का मतलब होता है repetitive, बार-बार होने वाले. Fluctuations का क्या मतलब होता है कि कभी इंक्रीज हो जाना, कभी डिक्रीज हो जाना. ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो प्राइस लेवल की, तो प्राइस लेवल बढ़ता घटता रहता है. ठीक है, कभी चीज़ें महंगी होती हैं, कभी सस्ती हो जाती हैं, इसको कहते हैं फ्लक्चुएट होना. ठीक है, तो यहाँ पर किस में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं? फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में. एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बेसिकली बात की जाए तो वो होता है कि हम ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे हम वेल्थ कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं. ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमारी ह्यूमन वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोग हैं जो हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम काम करके जो पैसे कमाते हैं उससे अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं. ये बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी होती है. तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं बिजनेस साइकिल की, इसमें कह रहे हैं कि रेकरेंट मतलब रेपिटेटिव, बार बार होने वाले, फ्लक्चुएशंस मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला होता है इनकम, सेकंड होता है आपका आउटपुट, एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. तो अगर इनकम में, आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कभी इनकम इंक्रीज़ हो रही डिक्रीज़ हो रही, कभी आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही डिक्रीज़ हो रही है, तब हम कहते हैं कि फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और इन्हीं फ्लक्चुएशंस को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल. अब हम पूछेंगे कि इसको बिजनेस साइकिल क्यों कहते हैं. देखो, साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ शुरू होए और फिर से ओरिजिनल जगह पर आ जाए. ठीक है, बिजनेस साइकिल में बेसिकली होता क्या है, बिजनेस साइकिल के फोर फेजेस होते हैं. क्या होते हैं? फोर फेजेस होते हैं. अगर हम बात करें फेजेस की, सो देर आर फोर फेजेस इन द बिजनेस साइकिल. ये फोर फेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला फेज होता है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन, और इसका सेकेंड वर्ड है प्रॉस्पेरिटी. एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब होता है? एक्सपैंड करना. इसका मतलब है कि एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी के टाइम पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये एक्सपैंड करता है, ये इंक्रीज़ करता है. मतलब कि वो वाला पीरियड, वो टाइम जिसमें बिजनेसेस में इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रही होती है, एक्सपैंड कर रही होती है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनकम के लेवल पर, आउटपुट के लेवल पर और एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर सारे लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, फिर आते हैं हम सेकेंड फेज पे. जो सेकेंड फेज होता है हमारा, उसको हम कहते हैं रिसेशन. रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना. तो सिंपल सी बात है कि इस पीरियड में क्या होता है, जो हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनके अंदर इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इनका लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करने लग जाता है. ठीक है, तो जब इन एक्टिविटीज़ में डिक्रीज़ होने लगे तो उसको हम कहते हैं रिसेशन का पीरियड. रिसेशन पीरियड के बाद आता है डिप्रेशन. डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रिसेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाना. बहुत ज़्यादा कम हो जाने का मतलब ये है कि सेवियर रिसेशन हो जाना. इसको हम और क्या बोलते हैं, सेवियर रिसेशन. ये भी एक रिसेशन होता है. डिप्रेशन के टाइम पर भी रिसेशन हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन ये एक सेवियर लेवल का होता है. अगर आप नॉर्मल सी बात करो, जो अगर हम अपने रियल लाइफ से इसको कंपेयर करें, तो एक फेज़ आता है जब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें लाइफ पे बहुत ज़्यादा, हम लो फेज़ में चले जाते हैं. ठीक है, तो लो फेज़ होता है कि हाँ, हमारी चीज़ें सही नहीं जा रही होती हैं, हम जो हम सोच रहे थे वैसे नहीं चल रहा होता है कुछ, तो हमारा एक लो फेज़ आ जाता है. उसको हम क्या कहते हैं कि अभी बहुत लो फेज़ चल रहा है, बहुत डाउनवर्ड ग्राफ मेरा चल रहा है, इस तरीके से
बात करते हैं, लेकिन अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो जो लोग डिप्रेशन में हैं उनका वो कंटिन्यूस बहुत ही लो फेस चल रहा है। डिप्रेशन में और नॉर्मल रोज़ के कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डिप्रेशन एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज हो जाती है। इसी तरीके से बिजनेस साइकिल में भी रिसेशन का मतलब होता है डाउनफॉल होने लगना इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन डिप्रेशन का मतलब है सेवियर रिसेशन, बहुत एक्सट्रीम डाउनफॉल हो जाना, बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल होने लगना, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन में क्या होता है, सेवियर एंड जनरल डिक्लाइन होने लगता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है इन तीनों फैक्टर्स में। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ फेज, एंड फोर्थ फेज हमारा होता है रिकवरी और रिवाइवल। रिकवरी ऑल्सो कॉल्ड रिवाइवल। रिकवरी और रिवाइवल का क्या मतलब होता है कि अब हमारी ये जो फेज़ डिप्रेशन में चली गई थी अब इससे हम थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। अब फेज़ जो है जो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है फिर से इंक्रीज़ होने लगती है, रिवाइव होने लगती है। तो ये चार फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जिसके अंदर इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आ रहा है ये इंक्रीज़ होती हैं। रिसेशन में इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। डिप्रेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेवियर रिसेशन, इसमें बहुत ही ग्रेजुअल और बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगता है इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में। और रिकवरी और रिवाइवल में इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल फिर से इंक्रीज़ होने लगता है, रिवाइव होने लगता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं बिजनेस साइकिल का ग्राफ है ये। देखो इस ग्राफ को, देखो ग्राफ बनाने के लिए जनरली जैसे आपको पता है एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, पर इसमें इतना ज़्यादा एक्सिस का कुछ नहीं है। इसमें सिंपल सी बात ये देख लो कि इस साइड पर हम लिखेंगे टाइम, दिस इज़ दी एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ दी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम लेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनके लेवल्स की बात हो रही है। अब ये जो ग्राफ बनता है ये इसी फेज़ में चलता है। हमने क्या देखा, सबसे पहला होता है एक्सपेंशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो एक्सपेंशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी का फेज़ इंक्रीज़ करते हुए ऐसे टाइम बढ़ता जा रहा है और ऐसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि एक्सपेंशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं। इसके बाद सेकंड फेज़ आता है विच इज़ रिसेशन, मतलब अब ये जो है डिक्रीज़ करने लगी। सो दिस फेज़ ये जब डिक्रीज़ हो रहा है इसको हम कहते हैं रिसेशन। इसके बाद आता है डिप्रेशन, अब डिप्रेशन के टाइम पर ये एकदम लो हो जाता है। ये जो फेज़ है आपका इतना सा जो एकदम लो, पूरी सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल लो चल रही, ये डिप्रेशन का फेज़ है। और इसके बाद आता है रिकवरी और रिवाइवल। तो ये देखो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में साउंड वेव्स पढ़ी होंगी, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वेव लाइक जो ये ग्राफ बन रहा है इसका मतलब है कि फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कभी एक्सपैंड कर रही हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। इसके क्या क्या फेजेस है, सबसे पहला ये फेज़ होता है एंड दिस फेज इज़ नोन एज प्रॉस्पेरिटी और एक्सपेंशन। ये जो डाउनवर्ड फेज चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलेंगे, रिसेशन। ये आपका जो बिल्कुल लो फेज चल रहा है इसको बोलते हैं डिप्रेशन, ये वाला फेज। एंड ये फिर से रिवाइव हो रहा है, फिर से रिकवरी हो रही है, दिस इज द फेज ऑफ रिवाइवल और रिकवरी। सो ये आपका कंप्लीट बिजनेस साइकिल का ग्राफ है। ठीक है, तो एक बिजनेस साइकिल क्यों बोली कि देखो यहाँ से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होने लगा, ऐसे ही कंटिन्यूस वेव की तरह चलता रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको बिजनेस साइकिल का ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस पे टाइम लिखना ज़रूरी है एंड वाई एक्सिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताना है कि क्या किस चीज़ के साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ऐसे लेबलिंग कर दो कि आपका बिजनेस साइकिल का ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये एक इलस्ट्रेशन था बिजनेस साइकिल का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ये है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई वैसे आप डिटेल में पढ़ोगे, अगली क्लासेस में पढ़ोगे आप, लेकिन अभी के लिए अगर समझा जाए तो इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की,
AD is aggregate demand and AS is aggregated supply. तो aggregate demand का क्या मतलब है? Demand का क्या मतलब होता है? Demand का सिंपल सा मतलब है कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है? हमारी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, हमने वॉन्ट, डिमांड, डिज़ायर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. तो डिमांड में सिंपल सी जो डेफिनेशन आपको दी गई वो ये कहती है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स विच ऑल द बायर्स ऑफ फाइनल आउटपुट डिज़ायर टू परचेज. मतलब टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स विच ऑल द बायर्स इन इकोनॉमी desire to purchase. एंड ये चीज़, ये जो गुड्स है ये फाइनल आउटपुट की बात हो रही है. फाइनल आउटपुट और इंटरमीडिएट आपने समझ लिया था, जैसे हमने बात करी थी ब्रेड की और फ्लावर की और पेन की और इंक की बात करी थी कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं. तो यहाँ पर हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं. तो डिमांड का सिंपल सा मतलब है कि कितना गुड्स, कितनी क्वांटिटी के गुड्स हैं, फाइनल गुड्स हैं जो बायर्स हैं वो डिज़ायर कर रहे हैं, ख़रीदने की डिज़ायर उनके अंदर है. तो लोगों की क्या डिज़ायर है, यहाँ पर डिज़ायर आपको ध्यान रखना है. वांट, डिमांड नहीं लिख सकते हो, केवल डिज़ायर आपको लिखना है. डिफरेंस होता है इन सारे टर्म्स में, ठीक है? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी बायर्स हैं वो कितने गुड्स डिज़ायर कर रहे हैं कि वो उतने वो गुड्स को परचेस करें. अब इकोनॉमी में कई सारे लोग होंगे, अगर हम बात करें 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ लोग कितने फाइनल गुड्स को डिज़ायर कर रहे हैं कि वो उन गुड्स को परचेस करना चाहते हैं, बिकॉज बायर्स विल परचेस, जो खरीदेगा वो परचेस करेगा, ठीक है? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स विच ऑल द बायर्स इन द इकोनॉमी डिज़ायर टू परचेज. सिंपल सी डेफिनेशन है. अब इसका सिंपल सा आप ये देख लो, अगर हम बात करें क्लोज्ड इकोनॉमी की, जैसे आपके बताया गया है क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, दो टर्म्स होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है और ओपन इकोनॉमी होती है. क्लोज्ड इकोनॉमी का ये मतलब होता है कि जो वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी है वो बाकी दूसरी इकोनॉमी से अपने आप को कट करके बैठती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को हम लिया जाए, देखा जाए कि इंडिया की इकोनॉमी है और इंडिया कोई भी फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व ना हो, केवल जितना भी ट्रेड हो, जितना भी रिसोर्स यूज़ हो, सारी चीज़ें केवल इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर हो, इंडिया बाहर किसी भी इकोनॉमी से ट्रेड नहीं करेगी, तो इंडिया को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे. बट ऐसा तो है नहीं, इंडिया के फॉरेन ट्रेड्स होते हैं, फॉरेन रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो इंडिया ओपन इकोनॉमी है. तो अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें एग्रीगेट डिमांड के 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं. 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, उनको हम समझेंगे कैसे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. किससे? देखो, हमने देखा था कुछ एंटिटीज होती है जो इसके बाद का टॉपिक भी आप उसको डिटेल में पढ़ोगे. हमने देखा था हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, फर्म्स होते हैं और गवर्नमेंट. हाउस होल्ड होते हैं, फर्म्स होते हैं और गवर्नमेंट. तो यहाँ हम ये बात करें कि जिन हम बायर्स की बात कर रहे हैं, जिनको गुड्स जो डिज़ायर कर रहे हैं सामान खरीदना, तो वो बायर्स कौन हैं और वो किस पर्पस के लिए गुड्स परचेस करना चाहते हैं. तो ये बायर्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकता है, फर्म हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है. हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जो फैमिली में लोग रह रहे हैं, नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं जो सामान केवल कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए खरीदना चाहते हैं. तो दोज पीपल हु डिज़ायर टू परचेज द गुड्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन, वो हाउस होल्ड्स में आते हैं. तो हाउस होल्ड्स क्यों गुड्स को डिज़ायर कर रहे हैं, उनकी एग्रीगेट डिमांड क्यों आ रही है? फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है. अगर फर्म्स की बात करी जाए तो फर्म्स गुड्स को परचेस करने की डिज़ायर इसलिए रखते हैं बिकॉज दे हैव टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट, उनको इन्वेस्टमेंट करनी है. इन्वेस्टमेंट भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है. और गवर्नमेंट क्यों परचेस करना चाहती है? गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए. गवर्नमेंट को कंजम्पशन भी करना है एंड इन्वेस्टमेंट, किसी भी पर्पस के लिए डिज़ायर कर सकती है. तो एक इकोनॉमी में लोग गुड्स को परचेज करने की डिज़ायर किसी भी तरह से कर सकते हैं. हाउस होल्ड्स कंजम्पशन के लिए करते हैं, फर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए कर सकती है. इसी से हमारा आता है AD का फॉर्मूला. AD का फॉर्मूला बोल लो या कॉम्पोनेंट्स बोल लो कि AD इज इक्वल्स टू C+I+G. AD इज इक्वल्स टू C+I+G, वेयर C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट. AD का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है. तो एग्रीगेट डिमांड हो गया. अब हम देखते हैं, अच्छा एक और चीज़, सबसे सिंपल सी बात बताओ, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये किस पे डिपेंड करेगी? लोग खरीदना चाह रहे हैं सामान, ठीक है, लोग डिज़ायर कर रहे हैं सामान खरीदना. सो दिस डिपेंड्स ऑन देयर इनकम. लोगों की इनकम पे डिपेंड करेगा कि उनकी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी.
ऑब्वियसली बात है जितनी इनकम होगी उतनी जो है वो डिज़ायर करेंगे सामान खरीदने की। सो एग्रीगेट डिमांड की इतना ही चीज़ है, डेफिनेशन है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो ऑल द बायर्स दे आर डिज़ायर टू परचेज इन एन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो तीन हमारे एंटिटीज़ हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, उनके डिज़ायर कंजम्पशन के पर्पज के लिए है, फर्म्स की डिज़ायर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है, एंड गवर्नमेंट की डिज़ायर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए हो सकती है। इससे एडी के कॉम्प्रिहेंसिव में पता चले विच इज C+I+G। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट। एंड इनकम के बेसिस पर डिपेंड करती है, हमारी इनकम कितनी है इस बेसिस पर एग्रीगेट डिमांड हमारी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं एग्रीगेट सप्लाई की तरफ तो एग्रीगेट सप्लाई में सिंपल सा बताया गया है कि इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट विच ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। सिंपल सी बात, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशंस में, विच ऑल द फर्म्स, फर्म्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, और प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू, हाँ विलिंग टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। देखो हमने तो देख लिया कि बायर्स जो हैं वो इकोनॉमी में कितने गुड्स, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिज़ायर कर रहे हैं टू परचेज, वो एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट सप्लाई होती है टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट। यहाँ आउटपुट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर वो क्या कहते हैं, उनको गुड्स नहीं चाहिए। गुड्स वो तब बनेगा जब, मतलब कि अगर हम बायर के पर्पस से देखें, बायर की तरफ से देखें, ठीक है, यहाँ पर हम फर्म्स की तरफ से देख रहे हैं, तो फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स, वो गुड्स को प्रोड्यूस करें तो उनके लिए वो एक आउटपुट है। ठीक है, उनका आउटपुट है, तो टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट जो एक इकॉनमी के अंदर जितने भी फर्म्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं एक इकॉनमी के अंदर, वो कितना विलिंग है टू प्रोड्यूस इन द इकॉनमी। सिंपल सा मतलब है कि एक इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूसर्स जो हैं, फर्म्स हैं, जितने भी फर्म्स प्रोड्यूसर्स हैं, वो कितना सामान बनाने की इच्छा रखते हैं, दैट इज़ दी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इच्छा रखते हैं और वो करते भी हैं। ठीक है, तो एक जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, दोज पीपल वो कितना विलिंग है कि कितने क्वांटिटी के गुड्स वो प्रोड्यूस करेंगे जो उनके लिए आउटपुट होता है, ये उनका होता है एग्रीगेट सप्लाई। बिकॉज डिमांड क्या है जो हमें चाहिए, और सप्लाई क्या है जो बन सकता है, और इसी की वजह से तो जो ये गैप है, इसी की वजह से स्कैसिटी की प्रॉब्लम आ रही होती है। क्योंकि डिमांड की बात की जाए तो डिमांड अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, लोगों की डिमांड जो हम लोगों ने बात करी थी, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, हम डिज़ायर हमारी होती है, हम काम करते हैं अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, पर सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी। ठीक है, फर्म्स कितना बनाएंगे, और इसी इन्हीं दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक प्राइस सेट किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी कि चीज़ें यूजफुल होती हैं इसलिए लोग परचेस करते हैं, और क्योंकि चीज़ें स्केर्स होती हैं इसलिए जो बनाने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, वो उसके लिए पैसे चार्ज करता है। तो एग्रीगेट सप्लाई सिंपल सा कह रहा है कि जितने भी फर्म्स प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इकोनॉमी में, वो होती है एग्रीगेट सप्लाई। इसके बाद सिंपल सा इसमें है, इसमें थोड़ा सा आपको प्राइस लेवल का बताया गया था। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विसेज विच ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई, हाँ ये सेम चीज, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, बस इतना ही आपको एग्रीगेट सप्लाई में करना है। एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन करनी थी। ठीक है, इतना आपका हो गया। इट इज़ द टोटल डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल क्वान्टिटी ऑफ, हाँ अगर हम देखो यहाँ पर ना एक आपको बताया गया प्राइस लेवल के बेसिस पे। प्राइस लेवल के बेसिस पे क्या बताया गया है कि प्राइस के हिसाब से देख लिया जाए कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब वो है कि कितना सामान वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे इंसान खरीदना चाहता है। अभी सिंपल सी बात है, हम गए मार्केट में, हमने शर्ट खरीदी। ठीक है, अब हम शर्ट खरीदने गए मार्केट में, वहाँ पर हमने देखा कि शर्ट जो है 800 रुपीज़ की है, हमने कहा था कि 1000 के अंदर होगी तो हम ले लेंगे, तो हम खरीदेंगे ना उस शर्ट को, हमारे लिए डिमांड है उस शर्ट की। बट अगर हम गए और हमें पता चला शर्ट 1500 की है, नहीं खरीदेंगे, नहीं है डिमांड उस चीज़ के लिए। तो प्राइस लेवल पर भी चीज़ें डिपेंड कर रही थी, डिमांड हमारी प्राइस पर डिपेंड कर रही है। 800 की शर्ट होगी तो हमारी डिमांड है कि हम उसको खरीदेंगे उस शर्ट को, अगर 1000 से ऊपर की होगी तो हम नहीं खरीदेंगे, डिमांड नहीं है फिर उस शर्ट की हमारे तरफ से। तो प्राइस पर चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज़। देखो आई थिंक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्लियर हो गया। डिमांड में थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया है, इसमें थोड़ा वही कंजम्पशन, इनकम और गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बता दिया गया था। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि आपके हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स, ये सब क्या होते हैं। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है आपका ये, और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो आपका थर्ड चैप्टर है। तो
अब आपका आता है बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज। बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज़ की अगर बात की जाए तो बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज़ बेसिकली तीन टाइप की होती हैं। देर आर थ्री इकोनॉमिक एंटिटीज़। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, देन फर्म्स और प्रोड्यूसर्स एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी एंटिटीज़ होती हैं। देखो होता क्या है, अगर इकॉनमी में देखा जाए तो इकॉनमी में क्या हो रहा है, सिंपल सी बात समझो कि इकॉनमी में होता ये है कि जैसे हम लोगों ने बताया कि सबकी वांट्स हैं, उन वांट्स को सेटिस्फाई करना हमारा गोल है। ठीक है, कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है और कुछ हमारी लग्जरी और कम्फर्ट की नीड्स आ जाती हैं, सेकेंडरी नीड्स। अब वो वांट सेटिस्फाई करने के लिए हमें चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बनाने के लिए अर्थ ने, नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, रिसोर्सेज में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कुछ हम खुद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के, अपना इंटेलेक्ट लगा के। ठीक है, वो रिसोर्सेज बनाए जाएंगे, वो रिसोर्सेज बनने के बाद उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को क्योंकि वो लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो जिसने भी बनाया है वो एक प्राइस पर हमें बेचेगा, और हमें क्या करना होगा, जिन्हें मतलब जिनको अपनी वांट्स फुलफिल करनी है उन्हें जाके पैसे कमाने होंगे और उस पैसे से वो सामान खरीद के अपनी वांट्स को फुलफिल करना होगा। ये बेसिक चीज़ हो रही होती है इकॉनमी में। अब इसी में हम लोगों ने जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व होते इकॉनमी में, ट्रेडर हो, कंज्यूमर हो, गवर्नमेंट हो, ठीक है, प्रोड्यूसर हो, सेलर हो, कुछ भी हो, वो सबको हमने कंबाइन करके एक क्या कहते हैं, तीन मेन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है कि हाउस होल्ड होते हैं, फर्म्स होते हैं एंड गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड की सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये दी गई है कि वो लोग जो फैमिली में रह रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जिनको अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स चाहिए, वो होते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि दे आर द पर्सनस और ग्रुप्स ऑफ पीपल जो साथ में रह रहे होते हैं और वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं कि किस टाइप का सामान उन्हें परचेज करना है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आप नॉर्मल अपनी फैमिली की बात करो तो आपकी फैमिली में लोग अपना डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है, सबके साथ ऐसे ही होता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं हमें कौन से टाइप की कमोडिटी चाहिए, कौन से टाइप की कमोडिटी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस हमें केवल बासमती राइस चाहिए, हमें दूसरा नॉर्मल राइस नहीं चाहिए। कुछ की अगर टी की बात करो तो कुछ को केवल रेड लेबल चाहिए, कुछ को ताज चाहिए। तो इस तरीके से सबके अलग अलग प्रेफरेंसेज होती हैं। तो हाउस होल्ड में सिंपल ये है कि इनका हाउस होल्ड वो एंटिटीज़ है जिनके इकोनॉमिक डिसीजंस ये होते हैं कि हमें कौन सा सामान खरीदना है। ठीक है, अब क्या होता है, हाउस होल्ड्स जो होते हैं ये दो कैपेसिटीज़ में काम करते हैं, ये दो कैपेसिटीज में काम करते हैं। ठीक है, पहली कैपेसिटी होती है एज अ बायर, मतलब हाउस होल्ड बायर होते हैं। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड से उनके दो मेन काम होते हैं। पहला होता है एज अ बायर कि वो सामान को खरीदेंगे, जो भी बात हो रही है कि उनके इकोनॉमिक डिसीजंस बेस होते हैं इसी चीज़ों पे कि उन्हें क्या सामान परचेज करना है, तो दे आर द बायर्स इन द इकोनॉमी। दूसरी चीज़ होती है दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बात जब हम लोगों ने प्रोडक्शन पढ़ा था, प्रोडक्शन के बाद हमने आगे भी कई बार ये चीज़ें रेफर करी हैं फैक्टर सर्विसेज इनकम वाले पार्ट में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं, इनके ओनर्स क्या करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं, और जो फर्म्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो इनको पेमेंट कर रहे होते हैं, फैक्टर इनकम देते हैं। ठीक है, यही हो रहा होता है। देखो कहा क्या गया है कि दीज हाउस होल्ड्स, सबसे पहले दे आर द मेन ओनर्स ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या क्या थे आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड इन्हीं के पास है। ठीक है, लैंड में सारे फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। ठीक है, एक देश के जो लोग हैं उन सबका राइट है अपने रिसोर्सेज पे जो उनके कंट्री में उनको प्रोवाइड किया गया है। लेबर, ह्यूमन बीइंग्स, जो पॉपुलेशन है, हाउस होल्ड्स ही हैं वो सारे। और कैपिटल की बात करो तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कैपिटल गुड्स बनाएंगे, वो सारे लोग भी हाउस होल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पहले इनकी ये कैपेसिटी होती है एज ओनर्स ऑफ दीज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ये डिसीजंस लेते हैं कि अपनी फैक्टर सर्विसेज को कैसे यूज़ करना है, और इसलिए ये दो तरीके से काम करते हैं, पहला एज ओनर्स और दूसरा एज कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखो ये जो ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, तो इसका मतलब है कि ये अपनी कौन सी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। किसी इंसान के पास ज़मीन है, उसने दे दी प्रोड्यूसर को कि लो तुम फैक्ट्री बना लो, रेंट देते रहना मेरे को,
आयरलैंड में, ठीक है, किसी पर्सन के पास टैलेंट है मशीन यूज़ करने का, वो गया, उसने फर्म को क्या बेची, अपना स्किल बेची कि भाई मैं आपकी मशीन चला लूँगा, आप मेरे को वेज पे कर दो या सैलरी पे कर दो। कोई इंजीनियर है जो कि किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकता है, जो सर्विसेज इंटरनेट सर्विस अगर प्रोवाइड कर रही वो कंपनी, वहाँ जाएगा अपने इंटेलेक्ट यूज़ करके सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, ठीक है, नई कोडिंग करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, उसके बदले में उसको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो हम होते हैं ओनर्स ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड्स होते हैं जो अपनी फैक्ट्री सर्विसेज को सेल करते हैं टू द प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली टू द प्रोड्यूसर्स सेल करते हैं, उसके बदले इनको क्या मिलती है, फैक्टर इनकम मिल रही होती है, ठीक है। अब आते हैं फर्म्स में, फर्म्स का क्या सीन होता है, फर्म्स का सिंपल सा है कि ये वो एंटिटीज होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके कमोडिटीज बनाते हैं, मतलब ये वो एंटिटीज़ हैं जो इन फैक्ट जो ओनर्स जो हैं इन्होंने जो फैक्टर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज इनको प्रोवाइड करी हैं, इनको यूज़ करके कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उनको सेल कर देते हैं। अब ये बताओ कमोडिटीज़ किसको बेचेंगे, जिसको कमोडिटीज़ की ज़रूरत है, किसको कमोडिटीज़ की ज़रूरत है, हाउस होल्ड्स को, ठीक है। मतलब हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसने फैक्टर सर्विसेज बेची प्रोड्यूसर को कि मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, आप मेरी सर्विस लेकर सामान बनाइए और मेरी सर्विस के बदले आप मेरे को फैक्टर इनकम पे करो, मेरी इनकम पे करो, इस इनकम से जो आपने गुड्स बनाए हैं उसको मैं परचेज करूँगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स तो बायर की तरह भी काम कर रहे हैं, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह भी काम कर रहे हैं। ऐसी फर्म्स का क्या चीज़ आ रहा है कि फर्म्स जो है दे एक्ट एज प्रोड्यूसर्स इन द कम्युनिटी एंड ऑल्सो दे आर द परचेजर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब जो फर्म्स होते हैं ये भी दो तरह से काम करते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं और दूसरा परचेजर। अब इन दोनों को लिंक करो, सिंपल सी बात, हाउस होल्ड बायर है उसको चाहिए कमोडिटीज़, तो फर्म प्रोड्यूसर है वो कमोडिटी बना के इनको बेचेगा। अब बेचेगा तो हाउस होल्ड को पैसे देने पड़ेंगे सामान के बदले पर, हाउस होल्ड कमाएगा कैसे, तो फर्म्स जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको, ये किसके परचेजर है, इनको चाहिए फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड के पास प्रेजेंट है, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को बेचेगा, फर्म्स उसके बदले में इनको फैक्टर इनकम देगा, ये फैक्टर इनकम से इनके बनाए हुए कमोडिटीज़ खरीदेंगे, ठीक है। तो ऐसे चलती हैं चीज़ें, तो क्या सिंपल सी बात है कि हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स के पास होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर उन सर्विसेज को यूज़ करके बनाता है कमोडिटीज़ और उन सर्विसेज के बदले बायर्स को पे करता है फैक्टर इनकम, फिर बायर जो है जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी फैक्टर इनकम से इनकी जो कमोडिटीज़ हैं उसको परचेज करते हैं। तो हाउस होल्ड्स आर द परचेजर ऑफ द कमोडिटीज़ एंड फर्म्स और प्रोड्यूसर्स आर द परचेजर ऑफ फैक्टर सर्विसेज और ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन। सो दोनों कैपेसिटी में दोनों काम करते हैं और एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते, सपोर्ट कर रहे होते, ऐसे ही हमारी इकॉनमी में चलता है। अब आती है हमारी तीसरी एंटिटी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का सिंपल सा काम यह है कि ये इसके पास लीगल और पॉलिटिकल पावर होती है, लीगल एंड पॉलिटिकल पावर है और ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, फर्म्स हैं, हाउस होल्ड्स, इन सबको कंट्रोल करते हैं, सिंपल सी बात है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसको हमने एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज आर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया होता है और इसमें आपकी अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट आ जाती है, इसमें चाहे बात करो लोकल गवर्नमेंट आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है, अलग अलग तरह की जितनी गवर्नमेंट्स हैं सब आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर RBI की बात करो तो RBI इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ दी सेंट्रल बैंक है इंडिया का। तो ये भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कंट्रोल कर रहा होता है। जब आप सेंट्रल बैंक पढ़ोगे, आपने अगर पढ़ा होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच पजेस द लीगल एंड पॉलिटिकल पावर और कुछ कंट्रोल जो है वो कर रही होती है ओवर आर इकोनॉमी, ठीक है। तो इतना आपका था बस इसमें। अब गवर्नमेंट कहाँ से अर्न करती है, सिंपल सी बात, गवर्नमेंट अर्न करती है फ्रॉम टैक्सेस। जो टैक्सेस कौन पे करता है, हाउस होल्ड्स होते हैं, इनको इनकम मिल रही होती है, ये टैक्स पे करते हैं, जो सामान खरीदते हैं उस पे टैक्स पे करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं वो टैक्स पे करते हैं। तो इन टैक्स से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा, गवर्नमेंट उस टैक्स को यूज़ करके जो अलग अलग काम है, जो कंट्री के लिए काम है वो करती है। क्या क्या काम करती है, अलग अलग तरीके का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सारी चीज़ें अलग अलग काम करती है। तो ये आपकी इकोनॉमिक एंटिटीज़ थे। सो दिस चैप्टर एंड्स हियर बिकॉज स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स तो है नहीं सिलेबस में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर 3, तो उसको हम समझेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एनी डाउट्स एंड फर्दर क्वेश्चंस देन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।